मैं अभी काम के सिलसिले से बाहर निकला, घर वापस जाते हुए रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन मिली। खैर, घर आया, मैंने न्यूज़ चैनल ऑन किया तो मुझे मुख्तलिफ खबरें मिली। एक सुबह जुमान पार्क में ऑपरेशन और दूसरा करंटली जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में चल रहा है। क्या हमने कभी सोचा कि इन सारी चीज़ों का नेट इम्पेक्ट क्या है? अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमारी इकॉनमी को डिस्टर्ब कर रही हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, आप सबको इल्म है कि इस टाइम हमारे मईशत के और इकॉनमी के क्या हालात हैं और आम आदमी इतना कितना सफ़र कर रहा है इससे। देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी तो उससे डिस्ट्रप्शन आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की कंटिन्यूएशन जो है वो रुक जाती है। जब आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहती तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वो शटर हो जाता है। ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे बिजनेस, दे आर गोइंग टू शट डाउन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक टर्मॉइल। और इस सारे सूरत हाल में जब आपके मुल्क में अफरा तफरी हो, पोलिटिकल अनरेस्ट हो, डू यू बिलीव कि कोई पाकिस्तानी इन्वेस्टर को छोड़ के फॉरेन इन्वेस्टर FDI, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ डॉलर्स। द अल्टीमेट वे टू गेट द डॉलर इज आइदर यू गेट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और यू गेट द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, या तीसरी रेमिटेंस है पाकिस्तानियों की। इस सूरत हाल में ना तो आपके कोई पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं वो रेमिटेंस पाकिस्तान भेजेंगे, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। सो इस सारे पॉलिटिकल अनरेस्ट की डायरेक्ट इफेक्ट आपकी इकॉनमी पे आता है। इससे होगा क्या? इसका नुकसान ये होगा कि जब आपके बिजनेस बंद होना शुरू होंगे, जब आपकी डेली कमोडिटी, डेली कंजम्पशन की चीज़ें, अशिया, खुर्द नोश, वो कम होना शुरू होंगे, लोग होर्डिंग शुरू करेंगे। जब होर्डिंग शुरू करेंगे, डिमांड सप्लाई गैप आएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली अगेन सफ़र कौन होगा? आम आदमी सफ़र होगा। हमें मैं सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा था कि आई वॉज मेंटली वेरी डिस्टर्ब, और मेरा ख्याल है कि हम सब को मिलकर, सारी अवाम, सारी सियासी पार्टियाँ, सारे तबकात बशमूल इस्टेब्लिशमेंट, हम सब को इकट्ठे बैठ कर इसका हल निकालना होगा। क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी नहीं आ सकती जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। थैंक यू।